राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास से कहती हैं, तुम्हारे लिए स्वर्ण आभूषण लाई हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति स्वर्ण जितना शुद्ध और तेजस्वी हो, उस पर नकली आभूषण नहीं शुद्ध स्वर्ण के आभूषण ही अच्छे लगते हैं। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, क्षमा कीजिए, मैं ये आभूषण स्वीकार नहीं कर सकता। और तभी गोविंद राज कहते हैं, ये क्या कर रहे हो श्री? राजकुमारी ने स्वयं विशेष कर तुम्हारे लिए ही ये आभूषण बनवाया है और तुम इसे मना कर रहे हो। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, हाँ गोविंदराज, मैं मना कर रहा हूँ। मुझे दुख हो रहा है इस बात से कि राजकुमारी को लगा कि मैं ये आभूषण स्वीकार कर लूंगा। नहीं राजकुमारी, ऐसा कभी मत सोचिए। मैं जानता हूँ कि हमारे पास धन नहीं है, रहने के लिए छत भी नहीं है, किंतु हमें स्वाभिमान अवश्य है। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती है, नहीं, मेरी मनसा तुम्हें ठेस पहुंचाने की नहीं थी श्रीनिवास। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, पर आपने मेरी मनसा को अनुचित समझा है राजकुमारी। उचित यही होगा कि आप मुझे आज्ञा दें कि मैं यहाँ से जा सकूँ। और फिर श्रीनिवास जा रहे होते हैं और तभी राजकुमार बासु कहता है, ठीक कहा तुमने। और कहता है, मेरी बहन तुमको ठीक से पहचान नहीं पाई, किंतु अब उसका ये भाई आ गया है जो उसका ये भ्रम दूर कर देगा। और फिर राजकुमारी कहती है, तुमको कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है वासुदेव, ये मेरे और श्रीनिवास के मध्य की बात है, तुम जाओ यहाँ से। और फिर वासु कहता है, ऐसे कैसे चला जाऊं, क्या है ना बहना, तुम बहुत भोली हो, किसी के साथ छल खपट नहीं करती, तो तुम्हें सभी लोग सच्चे लगते हैं, तभी तो तुम ये स्वर्ण आभूषण ले आई, वो भी इस श्रीनिवास के लिए। किंतु कहते हैं ना, स्वर्ण की असली परख तो एक सुनार को ही होती है, जो तुम नहीं देख पाई वो मैंने देख लिया। श्रीनिवास का सच, इसने तुम्हें आधा सच बताया है कि वो बहुत बड़ा नर्तक है, किंतु समय आ गया है श्रीनिवास का एक और सत्य तुम जान लो। और तभी राजकुमारी कहती है, कैसा सत्य? और फिर वासु बताता है, यही कि श्रीनिवास एक रसोईया है, लोगों के घर पर जाकर भोजन पकाता है, और तुम दिन भर इसकी प्रतीक्षा करती हो ना नृत्य सीखने के लिए, तब महाराज भोजन पकाने में व्यस्त रहते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास से पूछती हैं, क्या ये सत्य है? और तभी वासु कहता है, एकदम सत्य है ये राजकुमारी पद्मावती, श्रीनिवास ऋषि भृगु के घर जाता है भोजन पकाने, और तो और उनकी पुत्री की जो सखिया है बहुत ही मानती है इसे, चर्चित रसोईया है ये। और कहता है, अच्छा श्रीनिवास, तुम वहाँ भी नृत्य सिखाते हो क्या? उत्तर दो। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, मुझे किसी को कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, मैं कहीं पे जाके कोई चोरी नहीं कर रहा, कोई पाप नहीं कर रहा जो मुझे किसी को उत्तर देना पड़े। और फिर वासु कहता है, रसोईया है पर बातें तो राजा महाराजा वाली करता है। और कहता, वैसे तुम इन सब बातों का करोगे क्या? इन बातों से पेट तो भरेगा नहीं। मुझे लगता है कि मैंने जो तुम्हारा अपमान किया है ऋषि भृगु के घर, उसके पश्चात तुम्हारे वो हाथ का भोजन तो कदापि नहीं करेंगे। और अब मैं राजकुमारी पर छोड़ता हूँ, वो तुमसे नृत्य सीखना चाहती है या नहीं? और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि वासु कहता, स्वर्ण आभूषण उसी पे जचते हैं जो सच्चा हो, और सत्य क्या है वो तुम इसे जान लो, और सत्य जानने के पश्चात उचित निर्णय लेना पद्मावती। और फिर वासुदेव चला जाता है। और फिर राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास से पूछती है, क्या वासुदेव ने जो कुछ भी कहा तुम्हारे बारे में वो सत्य है श्रीनिवास? क्या तुम महर्षि भृगु के घर भोजन पकाते हो, उनकी पुत्री को नृत्य सिखाते हो तुम? और फिर श्रीनिवास कहते हैं, जो आपने सुना राजकुमारी पद्मावती वो सत्य है। और फिर राजकुमारी पद्मावती चली जाती है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि गोविंद राज श्रीनिवास से कहने जा रहे होते हैं, और तभी श्रीनिवास कहते हैं, गोविंद राज से कुछ मत कहिए, मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था, आप स्वयं मुझे यहाँ लेकर आए, और मैं आपके सानिध्य के योग्य ही नहीं हूँ, सब बिगाड़ दिया मैंने। और फिर श्रीनिवास चले जाते हैं और गोविंद राज नटराज के मंदिर में कहते हैं, हे महादेव,
मैं अपने श्री को इस प्रकार रोते हुए दुखी नहीं देख सकता। आपसे बस एक ही प्रार्थना है, श्रीनिवास जो कुछ भी खोज रहा है, जिससे भी प्रेम करता है, उसका साथ उसे मिल जाए। बस इतनी ही प्रार्थना है प्रभु। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी उस स्थान पर जाती है जहाँ श्रीनिवास प्रथम बार नृत्य के अभ्यास के लिए भार्गवी को लेकर जाते हैं और श्रीनिवास के बारे में स्मरण करती है। ये कलाकार पर निर्भर करता है, कोई भी कलाकार कहाँ नृत्य करना चाहता है, किसके सामने नृत्य करना चाहता है। और तभी भार्गवी को श्रीनिवास की छवि दिख रही होती है और भार्गवी कहती है तुम यहाँ, और तभी छवि गायब हो जाती है और भार्गवी कहती है ये कैसा भ्रम है मेरा, श्रीनिवास यहाँ नहीं है, फिर भी उसका आभास कर पा रही हूँ। और वो धुन जिसपे श्रीनिवास ने यहाँ नृत्य किया था वो भी सुन पा रही हूँ और भार्गवी नृत्य करने लगती है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि और फिर श्रीनिवास की छवि मिट जाती है और भार्गवी कहती है क्या हो रहा है, मेरे मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं जो मुझे श्रीनिवास से पूछने होंगे, कहाँ है श्रीनिवास। और कहती है भार्गवी शीघ्र आओ श्रीनिवास। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि श्रीनिवास नदी के तट पर बैठे होते हैं और तभी राजकुमारी पद्मावती वहाँ आ जाती है और कहती है श्रीनिवास से मुझे ज्ञात था कि तुम यहीं मिलोगे। और फिर श्रीनिवास कहते हैं मैं जानता हूँ कि आप यहाँ क्या कहने आई हैं राजकुमारी, यही ना कि आप मुझसे नृत्य नहीं सीखना चाहती। मैं जानता हूँ कि मैंने आपसे कुछ बातें छिपाई हैं, किंतु उसके पीछे कारण क्या है ये आप नहीं जानना चाहती। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती है नहीं, मैं तुमसे नहीं पूछूंगी कि तुम ऋषि भृगु के घर क्यों काम कर रहे हो, यह भी नहीं पूछूंगी कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, कुछ नहीं जानना है मुझे, मैं तो बस तुमसे क्षमा मांगने आई हूँ। और फिर श्रीनिवास कहते हैं क्षमा किंतु किस लिए राजकुमारी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी श्रीनिवास को चित्र दिखाती हैं और कहती हैं इसे मैंने बनाया है, बहुत समय पश्चात कोई चित्र बनाया है मैंने, जैसे तुमने मुझे पुनः नृत्य के लिए प्रेरित किया और वैसे ही ये चित्र बनाने की प्रेरणा भी तुम हो श्रीनिवास। मेरा भाई वासुदेव मेरे विषय में जो कुछ भी सोचे, मैं भोली हूँ, उचित निर्णय लेने में मैं सक्षम नहीं हूँ। वो चाहे तुम्हारे विषय में जो कुछ भी सोचे, किंतु जो मैं तुम्हारे लिए अनुभव करती हूँ श्रीनिवास, वो केवल मैं जानती हूँ। तो मित्रों, अभी के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए राधे राधे।